सकती हूँ, झूठ बोल रहा है। कौन निकली? हाँ, क्या झूठ बोल रहा है? बोल रहा है कि हम 8 लाख से जीता थे। हाँ, जीतत नहीं है। नहीं हो काहे? अरे कुछ कहले है, आजमगढ़ सपा को हराने वाला कोई पैदा नहीं है इस समय। अगली बार गलती से गुड्डू जवाले उठ गए थे तब जीत गए थे ना, इस बार तो सपा को आंख मुन के। कोई जरूरत नहीं है हमें नाचने वाली की, जरूरत नहीं है। इस बार जीत रहे धर्मेंद्र भैया। धर्मेंद्र भैया जीतेंगे। धर्मेंद्र यादव पार्टी, समाजवादी पार्टी सपा। धर्मेंद्र यादव सपा जीत रही। यस, गठबंधन भैया, गठबंधन इस पारी धर्मेंद्र को नहीं कोई रोक पाएगा। अब हम कह रहे हैं अखिलेश जीतेंगे, अखिलेश काम बढ़िया करते हैं। अखिलेश यादव को यहाँ से कोई हरा नहीं सकता है, कोई नहीं हरा सकता। जड़ जमी है यहाँ पे उनकी। कि यहाँ पे माहौल क्या चुनाव का चल रहा है, आप बताइए क्या चल रहा है? यहाँ तो सपा है। सपा है जी? अरे क्यों सपा है? निरहुआ 1.5 साल में काम नहीं किए हैं क्या? कुछ वही काम नहीं हुआ है। अरे आप लोग ऐसे कहते रहते हैं, पार्टी से हैं क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग शिक्षा से हैं। शिक्षा से? हाँ, हम लोगों को शिक्षा मुफ्त में मिल ही नहीं रही है। हर जगह देखिए यूनिवर्सिटी का फिर दाम बढ़ गया है। हाँ। 200 रुपया चार्ज फिर हो गया है। अरे तो भाई थोड़ा समय देंगे भाजपा सरकार को। 1 साल से समय दे रहे हैं ना, हम लोगों के लिए क्या फायदा मिल रहा है? हम लोगों को शिक्षा जरूरी चाहिए। तो शिक्षा में बदलाव जरूरी है ना। शिक्षा में बदलाव जरूरी है। मोदी जी कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं आप बताइए हमें, किस तरह से कर रहे हैं? हमें तो देखने के लिए नहीं मिला। 2.5 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ मिला? खुद अपना देखिए, कितने दुकान खुल गए हैं हर जगह। दुकान से काम चलेगा जब हम तो और किससे काम? हम लोग शिक्षा पाएंगे नहीं, नौकरी सरकारी पाएंगे नहीं, मतलब क्या है? वैकेंसी आप ये बताइए कितना फाइनल हुई है अब तक? अरे आजमगढ़ का नाम ऊंचा हो गया, निरहुआ को यहाँ से लड़वाया है। कोई जरूरत नहीं हमें नाचने वाली की, जरूरत नहीं है। फिर गुंडागर्दी चाहते हैं क्या सपा? गुंडागर्दी कहाँ गुंडागर्दी थी? गुंडागर्दी नहीं थी। नहीं, भाजपा वाले बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा वाले हर लाल टोपी वाले गुंडागर्दी करते हैं, दंगे होते थे। ये कहा जाता है, होता नहीं है। इसमें नहीं गुंडागर्दी हो रही है? कहाँ? समय निरहुआ इसलिए नहीं हो रही है। ऐसा कहाँ कहा जा रहा है कि नहीं हो रही है, हर जगह हो रही है। अभी ये बताइए हाथरस में कौन किया था कांड? हाँ। काहे नहीं रुका, रुकना चाहिए। आप कह रहे हैं तो मान ले रहे। क्या नाम है आपका? गोरख। क्या है यहाँ चुनाव का माहौल? चुनाव तो ज्यादा सपा का है, लेकिन निरहुआ भी काम कर रहा है तो निरहुए का होगा। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? बलवंत यादव। क्या है यहाँ पे चुनाव का माहौल? माहौल से समाजवादी जीत रही है। अरे आप लोग फिर चाह रहे हैं क्या गुंडागर्दी हो? कोई गुंडागर्दी नहीं है, बाबा के राज में गुंडागर्दी नहीं हो रही है। बाबा के राज में सारा माफिया गिरी खत्म हो गया, बाहुबली सब चले गए, अजय सिंह, धनंजय सिंह, राजा भी, ऐसे लोग क्या है, माफिया नहीं है। तो ये लोग बैठ गए ना? बैठ गए तो इसका क्या मतलब, माफिया खत्म हो गए? तो यहाँ से कौन जीत रहा है? इस बार जीत रहे धर्मेंद्र भैया। धर्मेंद्र भैया जीतेंगे? निरहुआ कोई 1.5 साल में काम नहीं किया है। कोई नहीं, गाजी पूछ रहे, इतना विकास कर दिए हैं। अरे अब क्या बोले, चलिए अखिलेश यादव को चैलेंज दे रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। अच्छा ठीक है, तो देखिए ये कह रहे हैं कि बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। देखिए यहाँ पे स्थिति जाम की आप देख सकते हैं, लेकिन देखिए आजमगढ़ जी, ये हम यहाँ पर पता करेंगे कि आजमगढ़ कौन जीत रहा है। धर्मेंद्र यादव पार्टी, समाजवादी पार्टी सपा। धर्मेंद्र यादव। अरे यहाँ तो लगातार धर्मेंद्र यादव कौन जीत रहा है यहाँ पे? बीजेपी जीत रही है। आपको क्या लग रहा है? आपका सपा जीत रही है। यस। क्यों गुंडागर्दी फिर चाह रहे हैं क्या? गुंडागर्दी सर नहीं है, केवल दूसरे लोगों का विकल्प, मन का विकल्प है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। आजमगढ़ में सपा को हराने वाला कोई पैदा नहीं है इस समय। अगली बार गलती से गुड्डू जवाले उठ गए थे तब जीत गए थे ना, इस बार तो सपा को आंख मुन के। नौजवान इतना ज्यादा चाह रहे हैं अखिलेश भैया को कि गुंडागर्दी चाह रहे हैं। गुंडागर्दी भैया आप खल जाते हैं ना, भाजपा वाले कहते हैं, भाजपा वाले जो कहेंगे आप मान लेंगे। भाजपा वाले जो आते नौकरी दिए भी निरहुआ को, इसीलिए भेजा निरहुआ, अच्छा काम नहीं किए, कुछ नहीं किया निरहुआ। अखिलेश क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जिंदाबाद। अरे अखिलेश यादव जिंदाबाद के नाम सोए भी रहेंगे तो भैया सपा ही है वो तो। अच्छा सपा है, आपको क्या लग रहा है? सपा के लिए सपा है। देखिए लोगों को क्या है यहाँ पे, गठबंधन में या गठबंधन है, क्यों गठबंधन है? फिर आप लोग गुंडागर्दी चाहते हैं? गुंडागर्दी कहाँ हो रहा है भैया? वही भाजपा वाले कहते हैं। अरे भाजपा वाला गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ, कहाँ गुंडागर्दी हो रहा है? बेरोजगारी नहीं देंगे भैया, भाजपा वाला गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी हो रहा है बताइए, कहाँ हो रहा है? भाजपा वाले कहाँ कर रहे हैं गुंडागर्दी हो रहा है? गठबंधन जिंदाबाद। बताइए निरहुआ ने पीछे 1.5 साल में कोई काम नहीं किया? नहीं काम किया है। तब क्या दिक्कत है? अरे तब बदलाव नहीं होगा 10 साल में? बदलाव चाहिए। हाँ बदलाव चाहिए। आखिर में क्यों बदलाव चाहिए? मोदी जी देश विदेश नाम कर दिए हैं। बदलाव चाहिए भैया। अरे आप बताइए। सौरभ पांडे नाम है मेरा। तो देखिए मोदी सरकार ने काम अच्छा किया है, पर इन्होंने दो चीज पे कंट्रोल नहीं किया है, जैसे बेरोजगारी है
और महंगाई है, अगर इन दो पे इन्होंने अच्छा काम कर लेता है तो सरकार अच्छी चलती है, पर इसकी वजह से तो इस वजह से निरहुआ यहाँ हार रहे हैं। हाँ, इस वजह से हार रहे हैं। अच्छा, और कोई रीजन नहीं है, और कोई रीजन नहीं है, मतलब धर्मेंद्र यादव को जीतना सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई है और क्या। अच्छा, हाँ यहाँ सपा की तो ऐतिहासिक सीट है, ऐतिहासिक सीट है, फिर भी पिछली बार जब वो चुनाव हुआ था, अभी जल्दी में हुआ था, फिर भी तो निरहुआ जीते थे। इन्होंने काम किया पर उतना अच्छा काम नहीं किया जितना चाहिए सब। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सृजन सिंह है। क्या है यहाँ पे चुनाव? सपा। सपा है? क्योंकि क्यों भाई सपा है? आप लोग ने कुछ काम नहीं किया, निरहुआ ने बस खेल के लिए काम किया, निरहुआ ने कुछ काम ही नहीं किया। इस पारी धर्मेंद्र को नहीं कोई रोक पाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? बस ऐसा ही है, इस पारी निरहुआ की कहानी खत्म है, निरहुआ की कहानी खत्म है। क्या है यहाँ पे माहौल चुनाव? माहौल सपा का, सपा का। अरे क्यों आप लोग फिर से चाह रहे हैं? भाजपा वाला कह रहे हैं फिर गुंडागर्दी आएगी। गुंडागर्दी कहाँ पे है? नहीं है, पहले गुंडागर्दी थी? नहीं था, ऐसा नहीं है, पहले भी नहीं था भाई। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए रोजगार कह रहे हैं, एक बार और मौका दीजिए, रोजगार मिलेगा? नहीं, रोजगार नहीं मिलेगा, 2 साल हो गए यार, 10 साल हो गए। ठीक है, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे साइकिल जीतेगी। साइकिल जीतेगी? हाँ। क्यों आखिर में? क्योंकि यहाँ पे रोजगार चाहिए सबको, और रोजगार लोगों को चाहिए, नौकरी चाहिए। हाँ। ताकि इस सरकार में मिला नहीं है। अच्छा, हाँ तो रोजगार तो कहे तो है 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए हैं, मिला नहीं ना, तो मिलेगा वो कह रहे हैं और चांस। अरे अब कब मिलेगा? जब हाँ। लास्ट में मिलेगा, लास्ट में जब समय चला। निरहुआ का यहाँ पे क्या कुछ नहीं किए? निरहु कुछ किए हुए नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं किए, कुछ किए नहीं। अरे तो जीत कैसे गए? अरे जीत गए थे बस, समझ लीजिए सरकार आ गई से। अमरपाली 2000 से जीता थी है। अमरपाली? हाँ, निरहुआ 5 लाख से। ये देख ला, समाजवादी है हम। हम समाजवादी है तो निरहुआ का क्यों बोल रहे? अरे वो झूठ बोल रहा है। कौन? हाँ, क्या झूठ बोल रहा है? बोल रहा है कि हम 8 लाख से जीता थे। जीतत नहीं है? नहीं हो काहे? अरे कुछ कहले है। अरे कहा तो है कि कहा तो है कि हम एयरपोर्ट बनवाए हैं, हम सड़क बनवाए, अखिलेश का बना हुआ लिया। क्या है यहाँ पे चुनाव का माहौल? अखिलेश यादव हाँ। वो कह रहे हैं कि 50,000 वोट। नहीं नहीं, अखिलेश यादव कोई यहाँ से कोई हरा नहीं सकता है, कोई नहीं हरा सकता, जड़ जमी है यहाँ पे उनकी। तो वो भाजपा वाले कहते हैं गुंडागर्दी फिर बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्या है यहाँ पे चुनाव का माहौल? क्या माहौल? बढ़िया है, है? बढ़िया है, मतदान बढ़िया होगा इस बार, मतदान होगा। किस कौन जीत रहा है यहाँ से? जीत रहे हैं अभी लोगों का मन है, लेकिन प्रत्याशी के ऊपर है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि वर्तमान को देखते हुए और सांसद जी ने परिवर्तन की उम्मीद है। परिवर्तन होगा? क्यों परिवर्तन होगा? ये सांसदीय स्तर पे या बड़े राज्य स्तर, वहाँ केंद्र स्तर, यहाँ पे परिवर्तन है कि नहीं आजमगढ़ में? हाँ है। क्यों है? क्यों है? क्यों? ऑलरेडी पहले पूर्व की गवर्नमेंट ने काम अच्छा इस पे किया था। अच्छा, यहाँ पर और इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया? इन्होंने उतना समय भी नहीं मिला है। हाँ। लेकिन फिर भी इन्होंने न के बराबर किया है। तो आखिर में मुद्दा क्या है उनको हटाने का? मुद्दा ये तो है, जैसे आप जो इंडियन आर्मी में भर्ती हो रही है वो 4 साल वाली है, यहाँ के ग्राउंड से काफी लोग। देश का मुद्दा है एक तो वो वाली है जो 4 साल वाली है, उसके बाद थोड़ी सी इन्फ्लेशन अच्छी खासी बढ़ी हुई है। तो वो तो कह रहे हैं उससे आमदनी भी तो लोगों की बढ़ेगी, लोग कोशिश भी तो करेंगे कमाने की ज्यादा, इसलिए महंगाई बढ़ी है। ऐसे तो आप और बढ़ा दीजिए, फिर कोशिश करते रहिए। हाँ। ऐसे और बढ़ा दीजिए आप, फिर कोशिश करते रहिए आप। हाँ। तो इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। अच्छा, तो वो मुद्दा रहेगा? वो मुद्दा रहेगा। अरे क्या कहते हैं कि भाजपा वाले कहते हैं कि गुंडागर्दी बढ़ जाती है? गुंडागर्दी नहीं, विकास का काम करते हैं। अखिलेश यादव बहुत ही ज्यादा विकास का काम करते हैं, इसलिए जीत रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है, आपका नाम क्या है? आकाश पांडे। क्या है यहाँ पर चुनाव का माहौल? माहौल दोनों सीट बीजेपी हार जाए। बीजेपी हार रही है दोनों सीट? अरे आप पंडित हैं ऐसा बोल रहे? मतलब नहीं, यहाँ जातिवादी लोग रहते हैं। हाँ। यहाँ कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्या मुद्दा क्या है? मुद्दे में काम क्या हुआ है वैसे? काम हुआ है कि नहीं? काम खाली रोड बना है, बाकी तो कुछ नहीं। तो गुंडागर्दी फिर बढ़ेगा? गुंडागर्दी कौन सा शांत हो गया है अभी? अच्छा, अब हम कह रहे हैं अखिलेश जीतेंगे, अखिलेश काम बढ़िया करते हैं। आज अखिलेश का नाम हो रहा है दुनिया में, हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
बताइए, दुनिया में नाम हो रहा है। हाँ, वो तो मोदी जी का हो रहा है। मोदी काम नहीं करते हैं, वो नहीं, मोदी कुछ नहीं करिए हैं, मोदी कुछ नहीं किए हैं। अरे भाई, निरहुआ ने यहाँ कुछ, निरहुआ कुछ नहीं किया है, बताइए। अरे भाई, सड़क बनवा, गरीब ने मर रहे हैं, सब मर रहे हैं, किसी के क्या क्या काम किया है बोलिए। आजमगढ़ में कोई काम नहीं किया है, कि मैंने कहेगा कौन काम नहीं की है, नहीं किया है। अगर कोई करोना आता है तो कहते हैं कि ये करो, वैक्सीन लगा के आदमी के मरते हैं, बताइए मरते हैं कि नहीं। तो थालियों तो पिटवा रहे हैं, वही तो कर रहे हैं ना, तो यही वाले ना, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग काहे ना बोलते हैं, आप लोग पत्रकार हैं ना, तो संसार को आज वोट आया तो इलेक्शन आया तो सब खो जाएगा, गुंडागर्दी फिर बढ़ जाएगी, बढ़ेगा गुंडागर्दी, रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, और बढ़िया ताल से कहते हैं, और क्या है? जो बात रहेगा सही कहते हैं। गरीब थोड़ा गरीब आदमी क्यों आदमी एक और मौका दे दो चाचा, दे दो मौका नहीं, आपकी अखिलेश जीतेंगे, बताई दे रहे हैं, बड़े अभिनेता हैं, आपकी जीतेंगे ये फर्स्ट जोट पर। अगर नहीं जनता चाहेगा तो और महंगाई बढ़ाएंगे, हाँ। मोदी और बढ़ा के जनता के मारेंगे, और मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। माहौल चुनाव चल रहा है, अखिलेश यादव जीत रहे हैं, अखिलेश यादव जीत रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, नहीं नहीं भाजपा वाले बेकार, कह रहे हैं हमने काम किया, हम विकास किए, 400 पार का नारा दिए, कुछ नहीं किए, क्या किए, महंगाई बढ़ाए, महंगाई बढ़े तो लोग कह रहे हैं आमदनी भी तो बढ़ेगी, थोड़ा और मौका दीजिए, कुछ नहीं बढ़ाए, बस अखिलेश यादव जीत रहे हैं, बस जीत रहे हैं। अरे अखिलेश यादव, गठबंधन की सरकार आ गई, सारा भैंसिया चला जाएगा, मंगलसूत्र छिन जाएगा, वो जीत रहे हैं, कोई हरा नहीं पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हराएगा, कोई नहीं हरा पाएगा, निरहुआ भी नहीं, पिछली बार हरा कुछ नहीं, बीजेपी की नैया डूब गई है, नैया डूब गई है, अरे पिछली बार तो हरा दिए थे, पिछली बार की बात छोड़िए, इस बार की बात देखिए, इस बार बुरी तरह हार रहा है, ठीक है। देखिए हर तरफ यहाँ पे भी जैसा देखा लोगों ने वैसे अपनी अपनी राय रखने लगे, आगे भी आपको सुनाएंगे, हर विधानसभा आजमगढ़ के देखेंगे और वहाँ वहाँ पर जनता की राय लेंगे। मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है, आजमगढ़ से।